बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है, अब बिहार में मेट्रो का सपना पूरा होने जा रहा है। पटना मेट्रो 2024 तक पटरी पर आ जाएगी और बिहार का ये सपना पूरा करेगा जापान। जी हाँ, सही सुना आपने, जापान पटना मेट्रो के निर्माण के लिए जापान की वित्तीय संस्था जायका बिहार को लोन देगी। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बोर्ड की हुई महत्वपूर्ण बैठक में लोन देने पर मुहर लग गई है। एमआरसी बोर्ड ने 2024 तक मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। अहम बात यह है कि डीएमआरसी ने सबसे सस्ती कीमत पर पटना मेट्रो के निर्माण की मंजूरी दे दी है। बोर्ड के सीएमडी की माने तो 511 करोड़ रुपए लेकर डीएमआरसी पटना मेट्रो के निर्माण को अमली जामा पहनाएगी और बोर्ड तीनों प्रस्ताव को जल्द ही नगर विकास और आवास विभाग को भेजेगा और इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी लेने की कवायद शुरू होगी। आपको बता दें कि पीएमआरसी बोर्ड के सीएमडी चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन महत्वपूर्ण एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इसमें पटना मेट्रो निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंपने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा जायका से लोन और मेट्रो के लिए 30 कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर भी सहमति की बात पर चर्चा की गई है। खास बात यह है कि जायका ने लोन की राशि ट्रांसफर करने के 12 वर्ष बाद वापसी किश्त शुरू करने की छूट दी है। बता दें, पीएमआरसी को 40 वर्षों में पूरा लोन लौटाना होगा और जायका ने 0.2% ब्याज दर पर ये तय किया है। पीएमआरसी के दोनों कॉरिडोर का काम पूरा करने का भरोसा दिया है और जल्द ही डीएमआरसी के करार की तैयारी है। बोर्ड निर्देशक संजय दयाल की माने तो डीएमआरसी को देश में सबसे ज्यादा मेट्रो निर्माण का अनुभव है और इसी के आधार पर डीएमआरसी को काम देने का निर्णय किया गया है। आपको बताते चले कि पटना मेट्रो के अंतर्गत दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 16.94 किलोमीटर का होगा, वहीं दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक 14.45 किलोमीटर का होगा। बिहार मेट्रो में यात्रियों की अनुमानित संख्या, निर्धारित रूट, स्टेशन, लागत, रखरखाव, वित्तीय और पर्यावरण पर प्रभाव का भी अध्ययन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।